नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। तालबेहट के कोविड 19 एल1 सेंटर में एक बार फिर उजागर हुई अव्यवस्थाएं। तालबेहट स्थित पॉलिटेक्निक में बने क्वारंटाइन सेंटर में गंदगी का अंबार। तालबेहट के राजकीय पॉलिटेक्निक में बने कोविड 19 एल1 सेंटर में एक बार फिर अव्यवस्थाएं उजागर हुई है। राजकीय पॉलिटेक्निक में बने कोविड 19 एल1 सेंटर में भर्ती मरीजों ने सोशल मीडिया पर सेंटर में व्याप्त अव्यवस्थाओं का वीडियो वायरल कर बताया कि यहां चारों तरफ गंदगी का अंबार है। सेंटर में शौचालय, स्नान घर की बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। सफाई न होने से उठ रही दुर्गंध के कारण लोगों का शौचालय में जाना मुश्किल हो रहा है। वहीं टंकी में पानी खत्म होने पर मरीजों को घंटों शौचालय में बैठकर पानी का इंतजार करना पड़ता है। गुरुवार को जब भर्ती मरीजों द्वारा सेंटर प्रभारी से जनरेटर चलवाने के लिए कहा गया तो जवाब आया डीजल नहीं है। करीब 2 घंटे बाद जब लाइट आई, जब टंकी में पानी पहुंचा, तब जाकर लोग नहाए। मरीजों ने बताया कि बरामदे एवं कमरों में 2 दिन में झाड़ू लगाई जाती है। आज तो सफाई के लिए कोई अंदर आया ही नहीं। जो मरीज आवाज उठाते हैं उसे झांसी रेफर करने की धौंस दिखाई जाती है। यहां तक कि जब उपस्थिति स्टाफ से किसी समस्या के अवगत कराया जाता है तो वह मरीजों से दुर्व्यवहार करते हैं। वही क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हाथ सैनिटाइजर से साफ करते रहें। मरीजों को सैनिटाइजर के स्थान पर 5 रुपए वाला साबुन एक मरीज को एक बार दी जा रही है। प्रभारी से बात करते हैं तो शिकायत करने वालों के नाम लिखकर कार्यवाही की धमकी देते हैं। कोरोना सेंटर में भर्ती मरीजों ने जिलाधिकारी से जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ललितपुर से राजू प्रजापति की रिपोर्ट। हुई है, यहाँ कोई सफाई नहीं होती। लेटरिंग बाथरूम पूरी गंदी पड़ी हुई है, पानी नहीं आ रहा। लेडीज और जेंट्स सब परेशान है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ बोलते हैं कि कुछ या इन लोगों से बोलते हैं, अधिकारी लोगों से तुझे बोलते हैं कि हम तुम्हें झांसी भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, कोई शिकायत करोगे तो। हाँ, आप लोग भी परेशान हैं यहाँ पर। परेशान है सब, पानी नहीं है, लेटरन गए उधर पानी नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है। तुम बोलो अपनी हम परेशान हो रहे, मोड़ा मोड़ी छोड़ के पेड़ दो हमें भाई साहब। टॉनी का जो मोड़ी मोड़ा परेशान है, मोड़ी मोड़ा है, वो 9 दिन हो गए जा रहे हैं। घर पे छोड़ छोड़वा दो, तैयार नहीं करने के लिए। यहाँ देखिए गंदगी है, सभी परेशान है और गंदगी साफ करने के लिए कोई नहीं आ रहा। और सर एक और नियम यहाँ उल्लंघन हो रहा है, किसी को 8 दिन में छुट्टी कर रहे हैं, किसी की 9 दिन में, और हम लोगों से बोल रहे हैं 10 दिन और 11 महीने में छुट्टी होगी। ये मेन बात है, सैनिटाइज भी नहीं दी रही। सैनिटाइज कुछ नहीं, सब पूरी व्यवस्था फैली हुई है सर यहाँ पर। चाय भी बहुत गंदी आ रही है, इतने ऐसे जैसे छान के पानी रख दिया हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा काढ़ा मिल रहा है या चाय मिल रही है। लैट्रिन बाथरूम दिखाए के लिए, हाँ लैट्रिन बाथरूम भी देखिए। तुम लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही है, आप देखिए क्या गंदगी पड़ी हुई है। देखो उसमें कुंडी कुंडी नहीं है गेटों में, अंदर से लॉक नहीं होती है गेट पे, कैसे लोग का गेट पकड़ के लेटरिंग करें क्या? पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, लोग का हाथ कैसे धोए? चारों तरफ गंदगी का अंबार है। ये देखिए यहाँ पूरे सभी यहाँ परेशान है, गंदगी का अंबार है।